हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ आ रही है। गंगूबाई कैथवाड़ी का अभी अभी टीज़र आया और रोंगटे खड़े करने वाला है। दोस्तों, जो लोग भी आलिया भट्ट के हेटर्स थे, अब वो क्या शक्ल दिखाएंगे किसी को, क्या वो नेपोटिज्म की बात करेंगे जब इतनी बढ़िया एक्टिंग मैडम डिलीवर करेगी। कुडोस टू इवन संजय, जिन्होंने बहुत ही अच्छी, संजय बंसाली की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक आर्टिस्टिक रेंडेशन दिखाया है इस मूवी के अंदर। बड़ा ही सिग्नेचर तरीके से, मैं बोलूँगा, दिख रहा है कि एक फ्रेम ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेम बहुत ही आर्टी है। और कहीं ना कहीं इस जिस तरीके की थोड़ी ग्लूमी शेड्स के अंदर आप देखोगे कि डार्क के अंदर डार्क कलर्स यूज़ हुए हैं, डार्क फ्रेम के अंदर डार्क कलर की गाड़ी जो है एक संजय लीला बंसाली जैसे ही इंसान दिखा सकता है। और ये हमने उनकी पुरानी मूवीज़ के अंदर भी देखा है, चाहे वो गुजारिश हो, चाहे वो सावरिया हो, हमने इस तरीके की कलर ग्रेडिंग पहले भी देखी है। बट इसके अंदर आई थिंक वो थोड़ा सा और एक नॉच ऊपर ही लेके गए हैं और बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक लग रहा है। यूजली मुझे बंगाली मूवीज़ में इस तरीके की आर्ट दिखती है और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि इवन संजय लीला बंसाली भी इसको अचीव कर पाए। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ दोस्तों मुझे ये लगी कि ओपनिंग और जो क्लोजिंग डायलॉग्स हैं इसके अंदर और जिस तरीके से वो डिलीवर हुए हैं, जिसके अंदर आलिया भट्ट कंप्लीट अथॉरिटी में लग रही हैं, जिसके अंदर ये दिख रहा है कि एक रेड लाइट एरिया की क्वीन अब पॉलिटिकल स्टैंड ले रही है और वो किसी से डरती नहीं है और वो अपनी आइडेंटिटी छुपा भी नहीं रही है। तो ये जो चीज़ देखी बड़ी ही गट्सी लगी और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। मेरे ख्याल से दोस्तों ये मूवी एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगी एक और क्वीन के साथ जो कि हैं कंगना रेनॉट। वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड तरीके की मूवी करती हैं और अपने बलबूते पे वो पूरी मूवी को कैरी कर सकती हैं। और एक और मैडम हमारे पास आ गई हैं जिनका नाम है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने पहले भी कैसी मूवीज़ करी हुई हैं, मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, हिट भी रही हैं कमर्शियली और ऊपर से उनकी एक्टिंग की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई है। तो ओवरऑल बेसिस पे दोस्तों एक माफिया क्वीन जो अल्टीमेटली मुंबई पे राज करती है और फिर पॉलिटिक्स में आती है और बेहिजक आती है और अपनी आइडेंटिटी छुपाती भी नहीं है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक है, बोल्ड टेक है, जिसके लिए संजय लीला बंसाली हमेशा जाने ही जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये मूवी की एंटिसिपेशन काफ़ी लोगों को होनी चाहिए, मुझे तो है और आपको है कि नहीं, आप कमेंट करो। सी यू, बाय।